हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नहीं दो नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक का नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम और दूसरे टॉपिक का नाम है दर्पण सूत्र। और ये दोनों टॉपिक प्रकाश के परावर्तन नाम के चैप्टर का अगला टॉपिक है। और ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपके न्यूमेरिकल्स को आसान कर देता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार न्यूमेरिकल्स में ही गलती करते हैं, और उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि वो इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझे हुए होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से समझेंगे, ताकि आपका न्यूमेरिकल्स आसान हो सके और कोई भी कंफ्यूजन आपको इस टॉपिक को लेकर नहीं रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बता दे रही हूँ। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये तो जानते हैं इसका मुख्य अक्ष होता है, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु, ये होता है। ठीक है, नई बात जो जाननी है वो ये है कि मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखा है, तो इस वस्तु से इस ध्रुव के बीच की दूरी को, ये जो वस्तु है यहाँ से, ये ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। तो इसको U से सूचित किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी बराबर U, यानी कि वस्तु से ध्रुव की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, ये इस तरह आएगी, इस तरह चली जाएगी, और ये जिस दिशा में आई है उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर बन गया इसका प्रतिबिंब। तो ये हो गया इसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम पहली बात क्या जाने कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम वस्तु दूरी बोलते हैं। अब इस प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब से इस ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। दूसरी बात ये है कि प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, जिसको V से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी इज इक्वल्स टू क्या, प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित किया जाता है, तो प्रतिबिंब दूरी इज इक्वल्स टू V। तो यहाँ पर दो बातें आप जान लिए कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी, और प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। ये दोनों बात अगर आप जान गए होंगे तो आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम को समझने में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के पहले नियम को लिखते हैं, तब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। पहला नियम है, जो पहला नियम है वो है, बिंब सदैव दर्पण के पहला नियम है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए हम बनाएंगे, मान लीजिए अवतल दर्पण बना लेते हैं, यहाँ पर बना देती हूँ, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये तो जानते ही है मुख्य अक्ष, ये ध्रुव मान लीजिए, ये केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, ठीक है, फोकस बिंदु को बीच में रख देती हूँ, ये हो गया। तो पहला नियम बोल रहा है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी कि ये जो दर्पण है इसका बायां ये हो गया और ये हो गया इसका दायां, ठीक है। तो बिंब जो वस्तु है उस इस दर्पण के हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है, ठीक है। तो अगर बाईं ओर रखेंगे हम वस्तु तो इसका परावर्तक सतह भी बाईं ओर होगा। तो कभी भी गोलीय दर्पण लीजिए, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, तो उसका परावर्तक सतह इस तरफ रखेंगे, मान लीजिए उत्तल दर्पण हो गया,
है, तो इसका परावर्तक सतह हमेशा बाईं ओर रखेंगे, तभी तो बाईं ओर वस्तु रहेगा, और वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से ही आपतित होगा, क्योंकि जब वस्तु बाईं ओर रखा रहेगा तभी तो वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। तो वही लिखा है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ये जो दर्पण है इसके बाईं ओर हमेशा बिंब को रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है, और दर्पण पर बिंब से प्रकाश, इस दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से ही आपतित होती है। ये देखिए बाईं ओर से ही आपतित होगी, अगर वस्तु बाईं ओर रखा रहेगा तभी तो प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगी ना। तो ये हो गया आपका पहला नियम कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है और दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से ही आपतित होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम मैं लिखती हूँ तब समझते हैं। दूसरा नियम है मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा नियम है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो ध्रुव है और ये जो आप जानते हैं ना ये मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर ये जो मुख्य अक्ष है ये है गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका फोकस। ठीक है, तो अगर हमको फोकस दूरी मापनी है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी मापनी है, तो हम ध्रुव से स्टार्ट करेंगे अब तब फोकस तक आएंगे। यही बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां जितनी भी दूरी मापनी है, या फिर आपको ये वस्तु की दूरी मापनी है, या फिर आपको ये वक्रता त्रिज्या मापना है, या फिर आपको ये फोकस दूरी मापनी है, वो सभी दूरियां आप कहाँ से मापना शुरू करेंगे, ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ से ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, अगर आपको वस्तु दूरी मापनी है तो ध्रुव से स्टार्ट करते हुए इधर आएंगे। ठीक है, अगर आपको वक्रता त्रिज्या मापनी है तो ध्रुव से स्टार्ट कर इधर आएंगे, वक्रता त्रिज्या मापेंगे। रूल यही है कि आप कोई भी दूरी मापिए ध्रुव से ही आप स्टार्ट कर दूरी मापेंगे। ठीक है, तो दूसरा नियम ये बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब कहाँ भी बन रहा है उसकी दूरी मापनी हो, तो आप ध्रुव से स्टार्ट कर तब प्रतिबिंब दूरी मापेंगे। ठीक है, अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है मूल बिंदु के दाईं ओर सभी दूरियां ठीक है, तीसरा नियम है मूल बिंदु के दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस ध्रुव को मान लीजिए मूल बिंदु, क्या मानना है, ध्रुव को मूल बिंदु मान लेना है। अब इस मूल बिंदु के ये हो गया इसका बायां, ये हो गया उसका दायां। ठीक है, तो इस मूल बिंदु के दाईं ओर ये हो गया इसका दायां, तो दाईं ओर आप जितनी भी दूरी मापेंगे, इधर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो अगर प्रतिबिंब दूरी माप रहे हैं, तो इस मूल बिंदु के दाईं ओर अगर प्रतिबिंब की दूरी माप रहे हैं तो वो दूरी धनात्मक होगी, यानी कि उसके आगे प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अगर इस मूल बिंदु के अगर बाईं ओर माप रहे हैं या इस वस्तु की दूरी माप रहे हैं मान लीजिए, या फिर इस फोकस दूरी माप रहे हैं, तो इस मूल बिंदु के अगर बाईं ओर माप रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। मान लीजिए ये वस्तु दूरी आप माप रहे हैं, ये हो गया ये रखा है वस्तु, आपको ये वस्तु दूरी मापना है, तो आप ध्रुव से स्टार्ट करेंगे और इस वस्तु तक जाएंगे, ये था दूसरा नियम। आप ध्रुव से किधर आ रहे हैं, बाईं ओर आ रहे हैं, मतलब वस्तु दूरी के पीछे क्या लगेगा, माइनस, माइनस का यू, अगर वस्तु उधर रखा हुआ था तो प्लस का यू लगता। ठीक है, तो हम ध्रुव से बाईं ओर माप रहे हैं दूरी को तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और ध्रुव इस मूल बिंदु के अगर दाईं ओर माप रहे हैं तो प्लस का चिन्ह रखेगा। मान लीजिए उत्तल दर्पण है, यहाँ पर उत्तल दर्पण मैं बना रही हूँ, ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में केंद्र इधर होता है, फोकस बिंदु इधर होता है, तो अगर ये इसका ध्रुव होता है, इस फोकस बिंदु, इस ध्रुव को मान लीजिए मूल बिंदु, अब ये हो गया इसका दायां, ये हो गया इसका बायां, तो अब जब आप इस फोकस दूरी को मापेंगे और वक्रता केंद्र की दूरी मापेंगे तो वो प्लस में होगा, क्योंकि आप दाईं ओर जाएंगे मापने के लिए। ठीक है, तो यही आपका
ये तीसरा नियम बोल रहा है कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ये हो गया आपका तीसरा नियम। अब हम चौथे नियम को समझते हैं, मैं मिटाती हूँ। चौथा नियम है मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत चौथा नियम है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापे जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसको समझने के लिए हम उत्तल दर्पण बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये मान लीजिए उसका ध्रुव है, ये फोकस है, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया वक्रता के अंदर, ये हो गया इसका फोकस, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत, ये जो मुख्य अक्ष है इसके लंबवत, यानी कि इस तरह 90 डिग्री का लाइन, तो इसके मुख्य अक्ष के लंबवत मान लीजिए कोई वस्तु रखा है, और इस वस्तु की ऊंचाई अगर ऊपर की ओर आप माप रहे हैं, वस्तु ऊपर की ओर रखी हुई है, तो इस वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर अगर आप ऊंचाई माप रहे हैं तो वो ऊंचाई धनात्मक होगी। मान लीजिए इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो +2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ होती तो -2 सेंटीमीटर, ये हम पढ़ेंगे, पांचवा नियम वही है, ठीक है। तो अगर इस मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु ऊपर रखी हुई है, हम ऊपर की ऊंचाई माप रहे हैं, तो वो वस्तु धनात्मक होगी। ये हो गया 4 नंबर नियम। अब हम पांचवे नंबर नियम को लिखती हूँ। पांचवा नियम है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है। इसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ली थी? अवतल दर्पण बनाई थी मैं, और ये था इसका मुख्य अक्ष, ये था ध्रुव, ये था वक्रता केंद्र, ये था फोकस, ठीक है। वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर रखी है? यहाँ पर। इस मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखी हुई है, पहला नियम देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, ये हो गई ऊपर की ओर। तो इस वस्तु की अगर हम ऊंचाई ऊपर की ओर माप रहे हैं, ऊपर की ओर वस्तु रखा है, तो इस वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर माप रहे हैं, तो वो क्या होगी? धनात्मक होगी। मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो पहले नियम से ये लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत है, हम ऊपर की ओर माप रहे हैं, ऊपर की ओर वस्तु रखी है, तो धनात्मक होगी, +2 होगा। अब मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बन रहा है, बना देते हैं प्रतिबिंब इस तरह, तो प्रतिबिंब इसका यहाँ बन रहा है इस तरह, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के लंबवत है लेकिन नीचे की ओर है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तो है लेकिन नीचे की तरफ है, तो हम इस प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर नीचे की तरफ माप रहे हैं, मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, नीचे की ओर, तो पांचवा नियम क्या बोल रहा है? नीचे की ओर मापी जाने वाली ऊंचाई, मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है। तो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर 1 सेंटीमीटर है, नीचे की तरफ अगर प्रतिबिंब बना है तो -1 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है, इसीलिए -1, और मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है। अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता ठीक सामने, और मुख्य अक्ष के लंबवत बनता ऊपर की ओर, तो ये प्रतिबिंब दूरी के, ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई में लिखी हूँ -1, अगर यही प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के लंबवत ठीक इसके सामने बनता ऊपर की ओर, तो प्लस लगता, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। ये हो गया इसका, ये उत्तल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, ये केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर वस्तु को रख दीजिए, यहाँ से किरणें गुजार दीजिए, मैं यहाँ पर प्रतिबिंब बना रही हूँ, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर मिलाइए, इसको इस तरह लेकर जाइए, तो यहाँ पर दोनों किरणें मिलती ही प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर इसका बन गया प्रतिबिंब। तो ये मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई 2 ही सेंटीमीटर है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, तो +2 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई हो गई। इसका प्रतिबिंब ठीक इसके सामने मुख्य अक्ष के लंबवत ही बन रहा है, तो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई +1 सेंटीमीटर,
क्यों +1 सेंटीमीटर? क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत है, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई थी -1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर है और ये मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है। इसीलिए अगर वस्तु या फिर वस्तु की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है तो उसका उसको उस दूरी को हम क्या करेंगे? धनात्मक मानेंगे। अगर अगर वस्तु या प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बनती है तो उसको हम ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, ऋणात्मक मानेंगे। तो ये हो गया आपका 5 नियम, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 5 नियम है। ठीक है, आपको 5ों नियम अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप आसानी से और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं उस एग्जांपल को देकर आपको समझाती हूँ। तो मैं यहाँ पर अवतल और उत्तल दर्पण बना दी हूँ। अगर आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 5ों नियम अभी तक नहीं समझ में आया है तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, ये दर्पण का हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। ये उत्तल दर्पण का भी लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया राइट साइड। और दोनों दर्पणों को मैं एक साथ इसलिए बनाई हूँ ताकि आपको लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन ना रहे। दोनों का लेफ्ट राइट एक ही होता है। ठीक है, पहला नियम है कि दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दर्पण के हमेशा बाईं ओर वस्तु को रखते हैं। ये अवतल दर्पण के हमेशा बाईं ओर वस्तु को रखेंगे, उत्तल दर्पण के हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखेंगे। चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। चाहे आप यहाँ पर रखिए या फिर यहाँ पर रखिए। ठीक है, दूसरा नियम ये बोलता है कि आप कोई भी दूरी मापिए, चाहे वो फोकस दूरी हो चाहे वो वक्रता केंद्र की दूरी हो चाहे वस्तु दूरी हो, आप हमेशा ध्रुव से ही मापेंगे, ध्रुव से ही मापेंगे। चाहे आप उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में मापें चाहे आप उत्तल दर्पण में मापें। ठीक है, मान लीजिए इस फोकस बिंदु को मापनी है आपको, तो आप ध्रुव से स्टार्ट करेंगे और फोकस बिंदु को मापेंगे। ठीक है, आपको वक्रता केंद्र को मापनी है तो ध्रुव से ही मापेंगे। अगर आप वस्तु दूरी को मापनी है तो ध्रुव से ही मापेंगे। अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण में बात की जाए तो आपको फोकस बिंदु को मापनी है तो ध्रुव से ही मापेंगे, वक्रता केंद्र को मापनी है तो ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम ये बोलता है कि ठीक है, आप ध्रुव से माप रहे हैं मापिए, लेकिन अगर ध्रुव से आप बाईं ओर जाकर मापते हैं दूरी को तो जो दूरी का मान आएगा वो हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है, और अगर ध्रुव से आप दाईं ओर जाकर दूरी को माप रहे हैं तो वो जो दूरी का मान आएगा वो प्लस में आएगा। मान लीजिए इस फोकस दूरी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पहले माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि जब आप इस दूरी को माप रहे हैं तो ध्रुव से बाईं ओर जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर मान लीजिए फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसके आगे प्लस लगेगा। क्यों प्लस लगेगा? क्योंकि जब आप इस दूरी को माप रहे हैं तो ध्रुव से दाईं ओर जा रहे हैं, इसीलिए इसमें प्लस लगेगा। ये हो गया तीसरा नियम। और एक और मैं आपको बता दूं बात कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर, कैपिटल आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको बोलते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ को। ठीक है, तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दर्पण के अवतल दर्पण की हमेशा बाईं ओर होती है, तो जब भी आप इन दोनों को मापेंगे तो दर्पण के बाईं ओर ही जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए दूसरे उत्तल दर्पण में तो इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा दर्पण के दाईं ओर होता है, इसीलिए जब भी आप वक्रता त्रिज्या को मापेंगे फोकस दूरी को मापेंगे तो ध्रुव के दाईं ओर जाकर मापेंगे, इसीलिए धनात्मक होती है। ठीक है, ये दोनों आपको बात ध्यान रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आता है कि बताइए अवतल दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं एफ इजिक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि वो पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। क्यों गलत है ये 20 सेंटीमीटर? क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो वो माइनस देना भूल जाते हैं जिससे उनका नंबर 0 आता है। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा।
अब चौथा नियम ये बोलता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत अगर ऊपर की ओर ऊंचाई माप रहे हैं तो वो हमेशा धनात्मक होगी। मान लीजिए इस वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो हम इस 2 सेंटीमीटर को ऊपर की तरफ माप रहे हैं तो +2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर वस्तु है ऊंचाई, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ माप रहे हैं तो +2 सेंटीमीटर होगा। और पांचवा नियम ये बोलता है कि वस्तु अगर नीचे की तरफ है मुख्य अक्ष के लंबवत, नीचे की तरफ है और तब आप उसका ऊंचाई माप रहे हैं, तब वो ऋणात्मक होगी, माइनस में होगी। मान लीजिए इस वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो नीचे की तरफ हम माप रहे हैं ना, तो -3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी नीचे की तरफ वस्तु होती 3 सेंटीमीटर ऊंची होती तो -3 सेंटीमीटर होता। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा नियम। अब मुझे लगता है कि आपको पांचों नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं दर्पण सूत्र, दूसरे टॉपिक को, क्योंकि मैं शुरू में ही बोली थी कि दो टॉपिक को पढ़ना है। पहला था कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम, जो हम समझ लिए। अब हम दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं, दर्पण सूत्र। देखिए मैं मिटा देती हूँ। तो अब हम दर्पण सूत्र को समझते हैं। लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? वह सूत्र जो प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंध को दर्शाता है, उस सूत्र को हम क्या बोलेंगे? दर्पण सूत्र। और वो सूत्र कौन सा है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये है सूत्र और इसी को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, जहां पर v इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, u इज इक्वल्स टू वस्तु दूरी और f इज इक्वल्स टू फोकस दूरी। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पर v है प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी और f है फोकस दूरी। ठीक है, और इसी सूत्र को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंध दिख रहा है, इसीलिए इस सूत्र को हम बोलेंगे दर्पण सूत्र। तो ये दोनों, ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने दो टॉपिक पढ़ा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम और दर्पण सूत्र। ये दोनों आपको टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।